नमस्कार, मैं वैदुल शेख फ्रॉम एडवर्टाइज इन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, इनफैक्ट इस यूनिवर्सिटी का मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिसके बारे में यूट्यूब में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं दोस्तों। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर दैन इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अदुल शेख फ्रॉम एडवर्टाइज प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरा भीड़ सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स का ही है। यूनिवर्सिटी का खासियत क्या है? सबसे पहली बात, इट्स अ फेडरल यूनिवर्सिटी, जैसे इंडिया का एम्स है। फेडरल का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी, जो कि ना हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी का ख्वाब होता है, ड्रीम होता है टू बिकम ए फेडरल यूनिवर्सिटी। तो इमैनुअल में एडमिशन लेने से आप ऑटोमेटिकली एक फेडरल यूनिवर्सिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। नंबर टू, द क्यूएस वर्ल्ड रैंक ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज रियली गुड। दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका वर्ल्ड रैंक बहुत ही अच्छा है। नंबर थ्री, ये यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन है, मॉस्को से बाई फ्लाइट 1.25 घंटे, मतलब 1 घंटे 25 मिनट में आप कालिनिनग्राद पहुंच जाएंगे। कालिनिनग्राद में जो यूनिवर्सिटी इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल है, वो 450 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो कि ना जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों, बहुत सारे लोग शायद ये सोचे कि वो बॉर्डर में है। मैं आपको बता दूं, ये बॉर्डर जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर नहीं है, ये कन्याकुमारी वाला बॉर्डर है। कालिनिनग्राद से आप अगर जो रशिया और यूक्रेन का वॉर जोन का डिस्टेंस देखेंगे, वो 1600 किलोमीटर है, मतलब वॉर जोन से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, और मॉस्को के पास है। नेक्स्ट बेस्ट पॉइंट अबाउट इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल इज कि इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों, आज मैं जैसे फरवरी में वीडियो बना रहा हूँ, इस मंथ में रशिया की दूसरी सिटीज में जहाँ पे टेम्परेचर -5, 10, 20 तक जा रहा है, वही इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी जो कालिनिनग्राद में लोकेटेड है, उसका टेम्परेचर देखिए +7 या 8 या 10 तक जा रहा है। और हम इंडियन बहुत ज़्यादा ठंड से अकस्टम्ड नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पे। और गर्मी में भी इसका अगर टेम्परेचर देखेंगे दोस्तों, तो 30 मैक्सिमम 32 तक जाता है। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगता है, इस यूनिवर्सिटी का एजुकेशन पैटर्न बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं खास करके पेरेंट्स को नोटिस में लाना चाहूँगा कि रशिया की 95% यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट 98% यूनिवर्सिटीज़ में बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल एक ही बिल्डिंग में होता है, एक ही फ्लोर में होता है। कोई भी कितना भी कह दे, ग्राउंड रियलिटी है, बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज है रशिया में जहां पे आपको बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट मिलेगा। इमैनुअल का बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल एकदम अलग अलग जगह पे है दोस्तों, ये बहुत अच्छा बात लगता है, कीपिंग इन माइंड द इंडियन मेंटेलिटी, जो कि ना बहुत ही अच्छी बात है इमैनुअल का। जैसे हर यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाता हूँ, मैं खुद बच्चे को लेके गया वहाँ पे, सारा काम करवा दिया, मैं खुद ट्रैवल किया बच्चों के साथ वहाँ पे, पहुँचने के बाद उसका सिम कार्ड, उनका वीज़ा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, बैंक अकाउंट ओपनिंग, सारा काम करा दिया। तो आइए हमारे जर्नी का एक पार्ट बनिए प्लीज़। और यकीन दिलाता हूँ, जो टॉपिक आप YouTube में इमैनुअल कांत के बारे में ढूंढ रहे हैं, अगले 5 या 7 या 10 वीडियो में दोस्तों सारे के सारे टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। एक एक करके सारे कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, स्टूडेंट रिव्यू, इवन वो स्टूडेंट जो वहाँ पे पहुँचे, उनका पहुँचने के बाद क्या रिव्यू है, सारा का सारा दिखा दूंगा मैं। सो प्लीज़ बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी टू शोकेस द मोस्ट ब्यूटीफुल फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया अंडर 25 लाख।